हेलो दोस्तों, पीडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए एक लेक्चर लेकर आया हूँ जो रिलेटेड है इंस्ट्रक्टर और ऑर्डर, है ना। इंग्लिश स्पीकिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो मैं कोर्स चलाया हूँ, है ना, यूट्यूब में फ्री चलाया हूँ दोस्तों, तो आप इसको देखिए, है ना। मेरा जो है, मैं 6 लेक्चर प्रोवाइड कर चुका हूँ आपको डे 6 तक, है ना। ये डे 7 का है, तो अभी देखिए डे 6 में क्या है, इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर वाले, है ना, कि आप किसी को कैसे इंस्ट्रक्ट करेंगे, है ना, किसी को कैसे ऑर्डर देंगे। जब आप लोग देते हैं ना ऑर्डर कि ये ले आओ, दरवाज़ा बंद कराओ, खिड़की खोल दो, है ना, पानी ले आओ एक गिलास, तो कैसे ऑर्डर देते हैं, है ना, कि वेट करो मैं आता हूँ, तो अंग्रेजी में आप कैसे बात करेंगे। तो ये डे 7 वाला है, तो डे 6 भी देखिएगा, इंस्ट्रक्शन ऑर्डर 1 से लेकर 20 तक है, और इसमें 21 से लेकर 40 तक है। फिर इसके बाद डे 8 में भी हो सकता है कि इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर वाला है, कम से कम 100, है ना, कम से कम 100 या 80 तो ज़रूर मैं प्रोवाइड करूँगा आपको। तो दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए देखिए, आज का है 21 है, रिमाइंड मी ऑफ एट द प्रॉपर टाइम, है ना। अब आप किसी बोलो कि मुझे ये याद दिलाना है ना समय पर, तो इसी को अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, रिमाइंड मी ऑफ एट द प्रॉपर टाइम, मतलब हमें समय में याद दिला देना किसी काम के लिए। चलिए 22वां है कि कीप पेस विद मी का मतलब होता है कि कदम से कदम मिलाकर चलो, है ना। कोई ये रास्ते जाता है, कोई वो रास्ते जाता है, तो क्या बोलते हैं, अरे भैया थोड़ी जिद्दी थोड़ी संभल के चलो, है ना, कीप पेस विद मी मतलब कदम से कदम मिलाकर चलो। 23 है पुट द चाइल्ड टू स्लीप, है ना। मान लीजिए कोई लेडी है तो उसका बच्चा रो रहा है, तो अपने हस्बैंड को अगर ऑर्डर देगी तो कैसे बोलेगी, पुट द चाइल्ड टू स्लीप, है ना, बच्चे को सुला दो। या फिर कोई हस्बैंड है वाइफ को बोलेगा, या फिर किसी को बोलेगा कि पुट द चाइल्ड टू स्लीप। 24वां नंबर है रिमाइंड मी अबाउट इट टुमारो, मतलब मुझे याद दिला देना, कल मुझे याद दिला देना बोलते हो ना, तो उसी को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, रिमाइंड मी अबाउट इट टुमारो, है ना, इसके बारे में मुझे कल याद दिला देना। कीप एवरीथिंग रेडी, तो क्या है कि सभी चीज़ या सब बंदोबस्त कर लेना, कीप एवरीथिंग रेडी, है ना। मान लो जबलपुर जाना है, भोपाल जाना है, किसी को कहीं भी जाना है, दिल्ली जाना है, तो क्या बोलें, कीप एवरीथिंग रेडी, है ना, अपने दोस्त को बोलते कीप एवरीथिंग रेडी, मतलब सभी बंदोबस्त कर लेना सब सारा चीज़। 26 है वॉक कॉस्टली, है ना, वॉक कॉस्टली मतलब जरा संभाल के चलो, है ना, कहीं कांटे ना हो, तो अंग्रेजी से कैसे बोलेंगे इसको, जरा संभाल के चलो, वॉक कॉस्टली। 27 नंबर है कम आफ्टरवर्ड्स, है ना, बाद में आना, बोलते हो ना जब आप बोर हो जाते हैं, बोलते हैं अरे जाओ यार बाद में आना, कम आफ्टरवर्ड्स, है ना, अभी मेरे पास समय नहीं है। 28वां नंबर है वेक मी अप 5 o'clock, है ना, अपने घर में बोलते होगे आप मम्मी पापा से कि मुझे 5 बजे जगा देना, फिर भले 5 बजे उठ के आप सो जाते होंगे, तो बेक मी अप एट 5 o'clock कैसे बोलेंगे, 5 बजे मुझे जगा देना, तो मुझे 5 बजे जगा देना को कैसे बोलेंगे, बेक मी अप एट 5 o'clock। ठीक, 29 नंबर है गेट रेडी इफ यू वांट टू कम अलोंग, है ना। आप मान लीजिए आपका दोस्त है ना, आपके साथ जाना चाहते हो, तो क्या बोलोगे, अगर मेरे साथ आप जाना चाहते हो तो आप एकदम तैयार रहना, है ना, मूवी देखने के लिए, कहीं मूवी 5 मिनट लेट ना हो जाए। तो 30वां नंबर है देखिए वेट हियर अंटिल आई एम बैक, अब क्या है, मान लीजिए आप दो लोग बैठे हैं, तो आप उसको क्या बोलते हैं कि वेट करना यहीं पे जब तक मैं नहीं आ जाता, जैसे सीता जी को राम लक्ष्मण जी बोले थे कि मैं जा रहा हूँ और जब तक मैं ना आऊँ तो यहीं वेट करना, कहीं नहीं जाना, तो इसी तरह वेट हियर अंटिल आई एम बैक, जब तक मैं ना आ जाऊँ तब तक आप यहीं बैठना। ठीक, 31 नंबर देखिए डोंट स्पीक लाइक दिस, बोलते हो ना ओ अब इसके लिए झूठ मत बोलो, तो उसको कैसे अंग्रेजी में बोलेंगे, डोंट स्पीक लाइक दिस। वॉक केयरफुली, है ना, बोलते हैं सॉरी वर्क केयरफुली, क्या है वर्क केयरफुली है, बोलते हैं थोड़ी अपना काम अच्छे से कर लो, ढंग से कर लो, तो उसको क्या बोलेंगे अंग्रेजी से, वर्क केयरफुली। डू योर ओन बिजनेस, कोई फोकट का ज्ञान बांटता रहता है ना आपके सामने, बोलता है ऐसा कर लो ऐसा कर लो ऐसा कर लो, तो आपको गुस्सा, तो क्या होता है, डू योर ओन वर्क, अपना काम से मतलब रखो, है ना, किसी का काम से मतलब मत रखो। अभी 34वां नंबर है यू मे गो नाउ आई हैव सम वर्क, मान लीजिए आपके घर में कोई आ गया फोकट में बैठा है ना, आपको आपको काम है, तो आप कैसे बोलेंगे कि आप जाओ मुझे अब काम है, तो कैसे बोलेंगे, यू मे गो नाउ आई हैव सम वर्क, मुझे कुछ काम है और आप जा सकते हो, आप जाओ अभी बाद में आना, है ना। 35 नंबर नोट दिस डाउन, टीचर कैसे बोलता है, मान लो बोर्ड में पूरा लिख दिया, मैं इसको लिख दिया, मैं क्या बोलूँगा, नोट दिस डाउन, है ना, इसे उतार लो छाप लो। ठीक, 36वां नंबर है कम बैक सून, है ना, जल्दी वापस आना, जाते हैं ना तो जाते समय क्या होगा, कम बैक सून, तो जल्दी वापस आना, कहीं जाते हो घूमने क्या होता है, जल्दी वापस आना, पर आप भले आप देरी से आते हैं। 37वां नंबर है प्लीज़ माइंड योर ओन बिजनेस, बोलते हैं ना कि अरे भैया बहुत ज्ञान बांटता है फोकट, बोलता है बहुत अटेम्प्ट आपके बीच में क्या करता है, बार बार टोका टिप्पी, तो क्या होता है, प्लीज़ माइंड योर ओन वर्क, है ना, अपना आप अपने काम से मतलब रखो। 38 नंबर है हैव पेशेंस, बोलते ना कि
कि अरे मेरा नंबर नहीं आ रहा अंग्रेजी में, मेरे से पढ़ते नहीं बनता है, लेकिन क्या है पेशेंस, है ना, ज़रा सब्र करो और अच्छे से सीखो और अच्छे से पढ़ो। यू स्टे देयर, है ना, आप यहीं पे रुकना। 40 नंबर है रिस्पेक्ट यूअर एल्डर्स, मतलब अपने बड़ों का आदर करना है। तो दोस्तों ये 40 हो गया, Day 7 का हो गया। तो Day 1 से आप देखिए आपको एक ना एक दिन अंग्रेजी जरूर आएगी, है ना। अंग्रेजी बोलने से कोई नहीं रोक पाएगा आपको। तो आप, मेरा आग्रह है कि आप इन्हें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और पुनः याद दिला दूँ, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।